हेलो फ्रेंड्स, झारखंड के जो नगर विकास विभाग है उसमें 250 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति होने वाली है, क्योंकि तो आज पेपर में ये अपडेट आया है। चलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ डिटेल से बढ़ा करके। ये देखिए दिखा रहा है, नगर विकास में 250 जूनियर इंजीनियरों की होगी नियुक्ति। ये जो है झारखंड की तरफ से ये अपडेट आया है, क्योंकि तो अभी यहाँ चुनाव आने वाला है तो बहुत सारी वैकेंसी धीरे धीरे आ रही है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इस तरह के वीडियो अपडेट मिलते रहेगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन में जरूर दबा दीजिएगा। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है, नगर विकास विभाग में 250 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक विभाग ने नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इन पदों के लिए नियुक्त प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन्हें राज्य के सभी 48 नगर निकायों में तैनात किया जाएगा। इससे शहरी विकास योजनाओं और नगर निकायों के रूटीन कामों में आ रही बाधा दूर होगी। और नगर विकास विभाग में प्रस्तावित जो 150 पोस्ट हैं वो संविधा के आधार पर नियुक्ति होगी, और इसे संपन्न करने के जो जिम्मा है राज्य तकनीकी शिक्षा पार्षद को दिया गया है। और बाकी जो 100 पद है उसके लिए अस्थायी नियुक्ति होगी। इसके लिए राज्य कर्मचारी आयोग को अधियोजना भेजी है दोस्तों। यानी टोटल जो है 250 पोस्ट है, इसमें से आपको 150 पोस्ट संविदा पर बहाली होगी और 100 पोस्ट वो आपका अस्थायी नियुक्ति होगी। यहाँ पर देखिए, आप दिखा रहा है, देखिए 150 की संविदा नियुक्ति करेगा राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद, और जो 100 पदों पर अस्थायी नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग के लिए आपको अधिसूचना भेजेंगे। ये रहा अपडेट दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी आ रही हैं अभी, इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ये आपको झारखंड की तरफ से अपडेट आई हुई है, जो कि जूनियर इंजीनियर, इसमें कि आपको डिप्लोमा मांगा जाएगा। इसका कोई भी अपडेट आएगा मैं सबसे पहले लेकर आऊँगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।